अगर आप सांप पाले हैं तो उसका मंत्र जरूर रखिए, ये कि हम खिला के एक दिन में उनको खली या दारा सिंह नहीं बनाना है। ये चीज़ सबर का सौदा है। अपना एक छोटा सेटअप डाला था, फिर धीरे धीरे कारवा बनता चला गया। लो कहीं की भी कोई भी नस्ल हो, हिंदुस्तान की कोई भी नस्ल हो, सब सर्वाइव कर जाती हर जगह। तो आपको स्टार्ट भी करना है तो सबसे पहले आपको उसकी ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विपिन स्वागत करता हूं आप सबके यूट्यूब चैनल दी फिट कैटल में। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं उमा पूर्णिमा जो प्रयागराज जिले में स्थित है। यहां पे आपको हम एक गोट फार्म दिखाने वाले हैं और इस गोट फार्म के ऑनर से भी मिलवाएंगे। इस पूरे वीडियो में आपको बहुत ढेर सारी जानकारी मिलने वाली है और बकरी फार्म के सच्चाई के बारे में आपको रूबरू कराएंगे कि कितना घाटा होता है और कितना मुनाफा होता है बकरी पालन में। और आपको सारी चीज़ें जानकारी मिलेंगी कि हमें कितनी बकरी रखनी चाहिए, कितने बकरे या बकरियों से स्टार्टअप करना चाहिए, क्या उन्हें खिलाना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। ये देख सकते हैं आप, सर ने इतना प्यारा और छोटा फॉर्म बनाया हुआ है अपने बकरों को रखने के लिए और बहुत ही कम खर्चे में ये फॉर्म बनाया है, सारी व्यवस्था करके रखी है। फीडिंग के लिए कितना अच्छा स्टैंड बनाया है और साथ में ये टब रखा है और बाहर रहने के लिए भी बनाया है और अंदर रखने के लिए भी बनाया है यहाँ पे। और इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है कि हमें बकरी पालन से क्या फ़ायदा होगा, क्या घाटा होगा, कैसे लोग फेल हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। पहले हम सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, सर ने हमें समय दिया। तो आइए सर से पहले सर का परिचय लेते हैं और पता जानते हैं इस फॉर्म का। सर मैं सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार सर। और आपके उन सारे व्यूवर्स का नमस्कार करता हूँ जो इस चैनल को आपको देख रहे हैं। ये एड्रेस कहलाता है इलाहाबाद में उमर पूर्णिमा शहर पश्चिमी कहलाता। नाम है सर अली, पूरा नाम अली अकबर जी। और सर यहाँ पे हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि जो ये आप बकरे या बकरी का काम कर रहे हैं ये लगभग कितने सालों से कर रहे हैं? ये तकरीबन मैं 3 साल से कर रहा हूँ काम जी। और सर जब आप स्टार्टअप किए थे तो लगभग कितनी बकरी या बकरों से? तब बहुत थोड़े सेटअप से स्टार्ट किया था और उसी से काम करते करते धीरे धीरे आज ये बढ़ता गया काम जी। यहाँ पे हमारे दर्शकों का और हमारे साथियों का एक बहाना ये भी रहता है कि हमें काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर ने बहुत ही छोटे सेटअप से काम स्टार्ट किया। और सर से हम ये जानना चाहेंगे कि सर आप किस नस्ल की बकरी से स्टार्टअप किए और अभी कौन सी नस्ल की बकरी या बकरियाँ आपके पास हैं? कोई भी नस्ल हो, कहीं की भी कोई भी नस्ल हो, हिंदुस्तान की कोई भी नस्ल हो, सब सर्वाइव कर जाती हर जगह जी। ऐसा नहीं कि ये नस्ल यहाँ नहीं काम करेगी, ये नहीं करेगी। आपको उसको फीडिंग का तरीका मालूम होना चाहिए कि वो क्या खाती है, क्या नहीं खाती है और उसकी मेडिसिन क्या है। सबसे पहले आपको अगर ये काम आपको स्टार्ट भी करना है तो सबसे पहले आपको उसकी ट्रेनिंग लेना पड़ेगा जी। बिना ट्रेनिंग के आप ये काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग नहीं करोगे, आपका फॉर्म पे कोई जानवर ख़राब होगा या बकरा बीमार होगा या बकरी बीमार होगी तो आप डॉक्टर को बुलाओगे तो 1000, 1500, 500 वो ले ही लेगा और 3-4-5 दिन ट्रीटमेंट करेगा, 2000 रुपये वो आपका चला जाएगा, वो आपका माइनस हो जाएगा। आप सोचोगे प्लस बनाने को तो वो माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ट्रेनिंग लीजिए, उस बारे में समझिए। ये ज़रूरी नहीं कि आप अपने एरिया वाइज से ट्रेनिंग लीजिए, आजकल ऑनलाइन की इतनी सुविधा चल गई है, आप ऑनलाइन से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। मैम ये भी जानकारी लेना चाहेंगे सर ने जो अपना ये फॉर्म बनाया है इतना प्यारा सा, लगभग कितना खर्च आया होगा? शुरू में सर तो इसमें कुछ नहीं कि अपना एक छोटा सेटअप डाला था, फिर धीरे धीरे कारवा बनता चला गया, जब वो सेल हुआ तो फिर नया सेटअप बनता चला गया। और कोई भी हो, कोई भी लड़का अगर ये फॉर्म डालना चाहे या काम स्टार्ट करना चाहे, बिल्कुल निम्न स्तर से करें, जोश में आके यूट्यूब के वीडियो, लुभावने वीडियो ना देखें, मेरा कहने मतलब है, क्योंकि अगर लुभावने वीडियो देख के ही माल मंगाता है तो 70% वो गलत माल रहता है। आप यूट्यूब से माल देखा, उसने वेट की वीडियो डाला नहीं, आपने पैसा डाला और माल आपके पास आया तो आपको ये लगेगा अरे यार ये तो या तो बदल गया है या तो ये है नहीं है, ये कैसे मैंने ले लिया, और बाद में आपको लगेगा मैंने गलत चीज़ ले लिया जी। तो कभी भी आप अगर माल खरीदे, जानवर खरीदे, चाहे वो बड़ा जानवर हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, तो वहाँ उस जगह पे जाके उस जानवर को देखिए, उस जानवर का सौदा करिए और उसको लेके आइए जी। और सर यहाँ पे हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि हमारे दर्शक अगर काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे स्टार्टअप करें, कहाँ से बकरी लें, कहाँ से बकरे लें? अगर आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको राजस्थान में अगर लोकल ब्रीड पे काम करना चाहते हैं, देसी ब्रीड पे, तो आपको तमाम आपके एरिया वाइज
सब मिल जाएंगे, नहीं आपको अच्छी ब्रीड पे काम करना है, बड़ी ब्रीड पे काम करना है तो आपको राजस्थान जाना पड़ेगा। राजस्थान में बड़े बड़े जो फॉर्म डाले हैं वहाँ से आप माल उठाइए, क्योंकि वहाँ पे वैक्सीन सब लगी होती है जी। और अगर आप मंडी से माल लोगे तो वहाँ पे तमाम तरह की बीमारी होगी और उसका गलत हो जाएगा आपके बाड़े में, कोई ना कोई जानवर इफेक्टेड रहेगा और पूरा बाड़ा ख़राब हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें तरह तरह की बीमारी चलती है। FMD हो गई, PPR हो गई, ET हो गई। जो आप सबसे पहले आप ट्रेनिंग लीजिए, जब ट्रेनिंग लोगे तो फिर सब समझ में आ जाएगा क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। और सर यहाँ पे हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि आप जो इनमें बकरियों में या बकरों में बीमारियाँ जो होती हैं उन्हें मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप, इन्हें अच्छा रखरखाव कैसे देते हैं? सबसे पहले आप कोशिश ये करिए कि जिस जगह पे आपके जानवर हो तो वो उस जगह को बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लीन करिए। आप चाहे वो ठंडी हो चाहे गर्मी, आपका कोई बहाना नहीं चाहिए, रूटीन आपका चाहिए। सुबह में आपको उठना है, यहाँ पे पूरी साफ़ सफाई करना है, फिर अपना फिर जो आपका काम होगा वो आपको काम करना है। इससे ये रहेंगे, जब खुद बाड़ा साफ रहेगा तो आपके जानवर भी बिल्कुल हेल्दी रहेंगे जी। और हमारे दर्शकों को सर ये भी बताइए कि जो आप ये रखते हैं इन्हें क्या फीडिंग कराते हैं, और लगभग अगर हम एक बकरा रखते हैं तो उसे हमें कितना दिन भर में राशन देना चाहिए? आप उसको दो टाइम राशन दे सकते हैं, सुबह और शाम। ज़्यादा उनके पीछे मत पड़िए, ज़्यादा उनको सोचिए कि हम खिला के एक दिन में उनको खली या दारा सिंह नहीं बनाना है। ये चीज़ सब्र का सौदा है, अगर धीरे धीरे काम करेंगे तो ही काम बनेगा। अगर आप सोचोगे उसको एक्स्ट्रा फीड करा दें, दाना खिला दें, तो इनको अफरा की तमाम तरह की परेशानी है जिससे आप भुगत सकते हैं और आपका जानवर ख़राब हो सकता है। और ये भी हमारे दर्शकों को बताइए सर कि बकरे या बकरी हम रखते हैं तो जो कृत्रिम गर्भाधान आया है, आजकल AI आया है, और नॉर्मल मेटिंग जो होती है तो कौन सा उचित होता है? हमें गर्भाधान अगर बकरियों का कराना है तो कौन सा उचित होता है? अगर आपके पास वो ब्रीडर है, पहली चीज़, अगर जिस ब्रीड पे आप काम कर रहे हैं वो ब्रीडर है तो आपको कृत्रिम गर्भाधान कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे दर्शकों का अक्सर सवाल रहता है, वो कहते हैं कि बकरा फॉर्म फेल हो जाता है या बकरी फॉर्म फेल हो जाता है, तो उसके फेल होने का क्या कारण है ये ज़रूर बताइए, अक्सर सवाल रहता है। मैंने सर आपसे पहले ही कहा, सबसे पहले आप ट्रेनिंग करिए, उस बारे में समझिए, उस बारे में जानिए कि पहले क्या देना है, कैसे डिवॉर्मिंग कराना है, डिवॉर्मिंग कब कराना है, खाली पेट कराना है, कैसे कराना है, कितने टाइम कराना है, और इसका वैक्सीन लगवाना है, FMD हो गया, ETTT जो आपका हो गया, PPR हो गया, सारा वैक्सीन हो गया। उसके बावजूद भी इसमें बहुत चीज़ें, ऐसा नहीं कि हमने FMD PPR के बारे में पढ़ लिया तो लगा दिया हमारा बकरा सेफ है। इनमें तरह तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, हमें खुद ही इलाज करना है इनका। और दूसरी चीज़, अगर आपको बकरी फॉर्म डालना भी है तो आपके पास संसाधन होने चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ आपके पास पानी की किल्लत नहीं होना चाहिए, जिससे ये सर्वाइव अच्छे से कर जाएंगे। पानी हो गया, भूसा हो गया, चारा हो गया, जो इनका हरा चारा हो गया, ग्रीन वेजिटेबल हो गया, हर चीज़ इनको बड़ी आसानी से मिल जाए। ऐसा नहीं कि अगर आप परेशान होंगे तो जानवर भी परेशान होगा और फिर आप गुस्से में आके बेच देंगे। और सर हमारे दर्शकों का ये भी सवाल रहता है कि अगर हम एक बकरा पालते हैं उससे हमें लगभग कितना उसमें खर्च आ जाएगा उसे पालने में, और कितना मुनाफा हो जाएगा एक बकरे को पालने में? एक बकरे को पालने में आपके ऊपर है कि वो आप किस पर्पज़ से काम कर रहे हैं। बकरा ईद के पर्पज़ से काम कर रहे हैं कि हर साल मान ली कोई कस्टमर आता है आपके पास लेने के लिए, उस पर्पज़ से काम कर रहे हैं। आपका तरीका होना चाहिए किस पर्पज़ से काम। अगर बकरा ईद पर्पज़ से काम कर रहे हैं तो आपका बकरा अगर 7-8 हज़ार का भी पड़ रहा है आपको, 5 से 6 हज़ार रुपये उसकी सालाना फीट आ जाएगी, तो 12-13 हज़ार रुपये, 10-12-11 हज़ार रुपये ये आ जाएगा, और उसके ऊपर जो आपने बेच लिया है वो आपका बेनिफिट। हमारे दर्शकों का एक सवाल ये भी रहता है सर कि अगर हम स्टार्टअप करना चाहते हैं, अगर हम गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो लगभग कितने पैसों से हम स्टार्ट कर सकते हैं और कितने पैसों से हम फॉर्म बना सकते हैं और कैसे हम फॉर्म बनाएं? यही मैं कहना चाहूँगा कि कम मुश्किल से 5 या 6 जानवर से पहले स्टार्टिंग करिए, जोश में आके ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट मत करिए बकरी पर। आपने 10-12-15 बकरी खरीद लिया है, आपने सोचा उसके बच्चे निकलेंगे तो हम सेल करेंगे, और फीड की मैनेजमेंट रखना है क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड पैसे का स्टॉक है। मान लीजिए अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 50 हज़ार रुपए की आपकी बकरी होना चाहिए, 50 हज़ार रुपए आपके पास फीड का पैसा होना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी एक टाइम आता है कि आपके पास पैसा खत्म हो जाता है और खिलाने के लिए कुछ भी नहीं रहता, फिर लोगों से मांगना पड़ता है। एक रिक्वेस्ट ये भी रहेगा कि हमारे दर्शकों को कोई ऐसा सक्सेस मंत्र बताएं जो बकरी पालन में वो सक्सेस हो जाएं। ट्रेनिंग जी, सबसे बड़ी चीज़ है ट्रेनिंग। अगर आपके पास ट्रेनिंग है, अगर आप सांप पाले हैं तो उसका मंत्र जरूर रखिए, तभी आप बेनिफिट आपको होगा। यहाँ पे सर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और सर से आखिरी सवाल हम ये पूछना चाहेंगे कि हमारे दर्शक अगर कोई जो देख रहे हैं उनके मन में ये सवाल है कि हम बकरी फार्म बनाएं या ना बनाएं, तो सर उनकी शंका दूर करिए। बिल्कुल बनाइए, अगर आप
आप काम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सक्सेस नहीं है, लोग कमा रहे हैं, लोग कर रहे हैं, निचले स्तर से काम कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे जाके काम बढ़ा रहे हैं अपना, और काम करिए। बहुत बहुत सर का धन्यवाद, सर ने हमें समय दिया, और सर से रिक्वेस्ट ये है कि हमारे दर्शकों से कह दीजिए कि वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जी।